हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वेल्डर कनेक्शन स्टील स्ट्रक्चर से। तो आज हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ इन वेल्ड व्हेन ए प्लेट ऑफ साइज 220 इनटू 22 इज कनेक्टेड बाय फिल्ट वेल्डिंग एज सुन जो फिगर में दिया गया है। टू डेवलप ए टेंसाइल स्ट्रेसेस ऑफ 150 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, द साइज ऑफ वेल्ड यूज ऑन द आउटसाइड ऑफ प्लेट इज 12 mm एंड दैट इन द स्लॉट इज 8 mm। तो जो आउटसाइड का जो प्लेट है वो 12 mm का है, ठीक है। तो ये प्लेट है, इसका जो फील्ड साइज है ये 12 mm है और इस प्लेट का साइज 220 × 12 mm है, ठीक है। और ये फील्ड वेल्ड ऑफ साइज जो कि स्लॉट है बीच में दिया गया 8 mm है। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया, ये फॉर्मूला हम इसमें यूज भी करेंगे बीच में। तो चलिए बनाते हैं। फॉर आउटसाइड, जो आउटसाइड प्लेट है, साइज ऑफ यानी एस फॉर आउटसाइड प्लेट, आउटसाइड प्लेट तो ये हो गया 12 mm। ओके, इसके बाद है साइज ऑफ फील्ड वेल्ड फॉर स्लॉट, साइज ऑफ ये 8 mm, ठीक है। और साइज ऑफ प्लेट कितना है, तो चलिए आप लिखते हैं साइज ऑफ प्लेट साइज ऑफ प्लेट है ये 220 × 22 mm, ठीक है। तो इसका थिकनेस ऑफ प्लेट कितना हो जाएगा, थिकनेस ऑफ प्लेट ये हो जाएगा 12 mm है इसका थिकनेस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये है कि लोड, तो अब इस जॉइंट में लोड कितना है वो हमें निकालना है। तो लोड हो जाता है, लोड इक्वल टू हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ प्लेट। तो इसमें क्या दिया गया, ये 150 है इनटू एरिया ऑफ प्लेट का, इससे एरिया निकाल देना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा ऑफ, इसको परमिसिव शेयरिंग स्ट्रेस इन, अब लेट कर लेते हैं हम इसको, परमिसेबल शेयर स्ट्रेस इन द वेल्ड, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड तो 8 mm वेल्ड है, पहले हम 8 mm वाला का वेल्ड निकालते हैं जो 8 mm दिया गया है। ये किसका है, स्लॉट का है, ठीक है। वेल्ड दिया गया है, ये हो जाएगा 8 mm। हमें निकालना है इसका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, थ्रोट थिकनेस। इसका फॉर्मूला होता है 0.7s, 7s का मतलब साइज ऑफ वेल्ड। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5.6 mm। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड इसमें क्या है, टाउ वीएफ इंटू एल इंटू टू, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमें ऐसे ही लिख देना है इसको, ये हमारा है 360 × 5.6, ओके ये 360, ये लेंथ कैसे आ गया ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। तो जो इफेक्टिव लेंथ है एल, ये 80 + 100 + 80 + 100, ये कैसे आ गया, ये 80, ये भी 80 हो गया, ये 100 है और ये भी 100 है। तो जब चारों का मेट करेंगे तो आ जाएगा वो 360 mm, ओके। तो चलिए अब यहां आते हैं,
तो ये हमने निकाला है स्ट्रेंथ ऑफ, ये 8 mm वेल्ड वाला निकाला है। अब हमें जो आउटर प्लेट था जिसका डायमीटर 12 mm है उसका हमें निकालना है। तो स्ट्रेंथ 12 mm वेल्ड ये आउटर प्लेट का है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं साइज ऑफ वेल्ड, ये ऐसे इसका। तो अब हमें क्या करना है, इसका इफेक्टिव लेंथ निकालना है। इफेक्टिव लेंथ कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो एल, तो ये 220 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस 200। ये कैसे हुआ ये आप फिगर में देख लो, ये 220 है, ये 75 75 75 और ये 200। ये प्लेट दोनों सेम ही है इसीलिए हम एक ही साइज इसमें लेते हैं। कल क्या आएगा 625 mm। अब हमें निकालना है स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, तो ये थिकनेस हो गया 8.4 और ये 625, ये लेंथ हो गया और इसका वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा इतना। अब हमें क्या निकालना है, जो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ फिल्ट वेल्ड जॉइंट है, अब हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है। हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ 8 mm, यानी जो 8 mm जो 8 mm वाला है उसका पहले निकाल देंगे, प्लस यानी कहने का मतलब 7266, यानी 726 स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को लोड के बराबर करना है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिल्ट वेल्ड ज्वाइंट को हमें क्या करना है, लोड ऑन द आ जाएगा। तो हमारे पास ये है 766 TVF है और लोड है 7726, ये इतना न्यूटन में, तो इसका कैसे आ जाएगा, तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारा निकल के आएगा आंसर 99.92 newton per mm square। ये हो गया आपका 99.9 newton per mm square। तो ये इसका हो गया आंसर। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।